ठीक ओके। एक्सरसाइज 5.3 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा, अभी तक तो हमने इस 5.3 में ओनली मल्टीपल्स फाइंड आउट किए हैं, ओके। अब जो आगे के हम 5.4 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें वी विल फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स सेम एज वेल एज दैट इज फाइंड द फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, ओके। तो सेम एज वेल एज डू इन कॉमन मल्टीपल्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लार्जेस्ट इवन मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 30 एंड 75। आपको 5 की टेबल लिखनी है जिसमें कि 30 से स्टार्ट होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 30। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हम 10 तक ही मल्टीपल्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 75 तक बोला गया है, तो हम इस टेबल को आगे बढ़ा देंगे। 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, 5 13 जा 65, एंड 5 14 जा 70, एंड 5 15 जा 75। हमने 75 तक लिख लिए। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि इवन नंबर कौन सा है। 30 इज अ इवन, 40 इज इवन, 50 इज इवन, 60 इवन नंबर, 70 इवन नंबर, ये सारे इवन नंबर है। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट इवन नंबर इज, लार्जेस्ट इवन नंबर इज 70, ओके। लार्जेस्ट इवन नंबर जो है वो हमारा 70 रहेगा, इज दैट क्लियर। सो नाउ वी विल डिस्कस हियर कॉमन मल्टीपल्स। एवरीवन यू गॉट द हाउ कैन वी फाइंड आउट द मल्टीपल्स, ओके। सो अब देन नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन मल्टीपल्स, ओके। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। मल्टीपल्स फाइंड आउट करने आ गए तो हम कॉमन मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं, ओके। सो कॉमन मल्टीपल्स फॉर वी हैव गिवन द पेयर ऑफ नंबर्स, ओके। आपको पेयर नंबर्स, नंबर्स के पेयर्स में दिए हुए होंगे, टू नंबर्स के पेयर्स होंगे या मोर देन टू नंबर्स भी हो सकते हैं, तो उसके आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो एग्जाम्पल इज वी विल डिस्कस हियर कॉमन मल्टीपल्स, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1 इज फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15। मैंने शॉर्ट में लिखा है मल्टीपल्स टाइम 10 एंड 15। तो लेट मी राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द 10 मल्टीपल्स ऑफ 10। इट मीन्स कि आप 10 की टेबल लिखेंगे, इट मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 10, ओके। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 50 60 70 80 90 एंड 100। मतलब 10 की टेबल हमने कहाँ तक लिखी है, 100 तक। एंड नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 15, अब आपको क्या लिखना है, 15 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 15, ओके। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। ये तो हमने कम्प्लीटली मल्टीपल्स लिख ली। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 कॉमन मल्टीपल्स स्टार्टिंग के 3। आप 10 देख रहे हो, 10 और 20 15 के टेबल में नहीं आता, तो फर्स्ट इज 30। 3 कॉमन निकालना है तो 30 कौन निकल गया कॉमन मल्टीपल्स,
देन 40 नहीं आता, 50 भी नहीं आता, 60 दोनों में आ रहा है, देन लास्ट इज 90. ओके, सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 30, 60 एंड 90 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15. 15 और 10 और 15 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए? 30, 60 एंड 90. ओके, तो ये तो हमारे हो गए कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, इसी तरीके से आपको मल्टीपल्स में अगर यदि आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाए या कोई भी नंबर पूछा जाए कि क्या यह नंबर इस टेबल का मल्टीपल है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस में अभी 5.3 में भी करके देखा था कि हम डिवाइड करके देखते हैं या फिर आप उसका टेबल बोल के देख लीजिए. अगर वह अगर किसी भी टेबल में यदि वो नंबर आता है तो इट मीन्स वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं. ओके, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ 5.4. ओके, अगर मल्टीपल्स इफ यू अंडरस्टैंड द मल्टीपल्स देन इफ यू हैव नो प्रॉब्लम. ओके, यदि आपको मल्टीपल्स समझ में आ रहे हैं तो आपको कॉमन मल्टीपल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, एक्सरसाइज 5.4. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स. आपको नंबर्स के पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने. कितने कॉमन मल्टीपल्स निकालने? टू ओनली. ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन इज ए 4 एंड 5. मतलब आपको इट मीन्स कि यू विल राइट हियर 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 5. तो मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 की आप टेबल लिखेंगे, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 24, 4 सेवन जा 28, 4 एट जा 32, 4 नाइन जा 36, 4 टेन जा 40. ओके, नेक्स्ट वी विल राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 5. फाइव टू जा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन लास्ट इज 50. ठीक है, 4 और 5 से हमने कंप्लीटली टेबल लिख ली 10 तक. अब हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने. तो आपको पता है कि 16 तक तो 5 के टेबल में भी नहीं आता. फर्स्ट इज 20, ओके, एंड सेकेंड इज 40. ओके, तो 2 कॉमन मल्टीपल्स आर 2 कॉमन मल्टीपल्स आर 20 एंड 40. ओके, तो ये आपको इसी तरीके से कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस. अब सी देखिए, सी का क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ 6 एंड 10. ओके, वी विल राइट हियर 6 एंड 10. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6. ओके, मल्टीपल्स ऑफ 6, इट मींस वी विल राइट द टेबल ऑफ 6. ओके, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36, 6 सेवन जा 42, 6 एट जा 48, 6 नाइन जा 54, देन 6 टेन जा 60. ओके, नेक्स्ट यू विल राइट द टेबल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10. मल्टीपल्स ऑफ 10, इट मीन्स यू विल राइट द टेबल ऑफ 10. ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, then 100. And then next step is question tell here ki you will find the two common multiples. Okay, so common two multiples is first is 30, so same as well,
both of multiples 13, next is 16. Okay, so common multiples are 30, two common multiples are, aap likh sakte, you can write here, two common multiples are 30 and 60. Okay, इसमें से आपको जो भी पॉसिबल, अगर यदि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि टू कॉमन या थ्री कॉमन या फोर कॉमन अगर कहा गया है, तब तो आप जो क्वेश्चन में कहा है टू कहा गया है तो टू ही कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, थ्री कहा गया तो आप थ्री ही निकालेंगे, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है और केवल ये कहा जाए कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स, तो जितने भी आपको कॉमन मल्टीपल्स निकल रहे हैं, पॉसिबल निकल सकते हैं, आप उतने ही कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर टू, राइट यस और नो. देखिए क्वेश्चन नंबर टू आपको बुक में ही करना है, ठीक है, कॉपी में नहीं करेंगे. तो ये केवल समझने वाली चीजें हैं जो आप समझेंगे, क्योंकि आपने इस चीज को पढ़ रखा है, मल्टीपल्स और फैक्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, दोनों के बीच के आपको डिफरेंसेस पता है. ओके, क्वेश्चन नंबर टू से यस और नो में आपको आंसर देना है. ओके, फर्स्ट इज 48 इज 48 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6. मतलब आपको ये चेक कराना है कि क्या 48 जो है वो 4 and 6 दोनों के मल्टीपल है, ठीक है. मल्टीपल मीन्स या 4 या 48, दोनों 4 या एंड 6, 48 जो है वो 4 और 6 दोनों के टेबल में आता है. 6 में तो आता है 6 8 जा 48. ओके, 4 से भी ये डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 12 4 जा 48. तो आप इधर क्या लिख देंगे, यस इट्स अ मल्टीपल ऑफ बोथ टेबल्स. ओके, सेकेंड इज बी इज 80 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ इज 80 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ एट एंड टेन. ओके, 8 एंड 10 की टेबल में क्या 80 आता है, यस 8 10 जा 80, 8 से भी 8 की टेबल में भी आ रहा है और 10 8 जा 80, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. एंड नेक्स्ट इज लास्ट सी. ओके, सी में क्या होगा, इज 60 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ इज 60 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 15. क्या जो 60 जो है, 60 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल है, तो आपको टेबल बोल के देखनी है, 12 5 जा 60 होता है, ठीक है, और 15 4 जा 60, ठीक है. तो इट मीन्स ये दोनों की ही टेबल्स में से के मल्टीपल है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. यदि इसकी जगह कोई और नंबर भी आ जाता है तो आपको उसको भी टेबल से क्लेरिफाई करना है कि इट इज अ मल्टीपल और नॉट. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर. एलसीएम, लास्ट क्लास आई विल ऑलरेडी एक्सप्लेन हियर कि व्हाट इज द एलसीएम फुल फॉर्म. ओके, तो एलसीएम फुल फॉर्म इज लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जो आप कॉमन मल्टीपल, अभी तक के क्वेश्चन में तो आप क्या कर रहे थे, केवल मल्टीपल फाइंड आउट, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे थे. अब जो आप कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करोगे उसी में से ही आपको लीस्ट मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना. ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन हियर. क्वेश्चन नंबर थ्री is b
10 and 15, okay, 10 and 15. So you, first of all, you will write here multiple of 10, okay, it means you will write the table of 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Okay. Next, multiple of 15. Multiple of 15. So right here, table of 15. 15 when the 15. 15 to the 30. 15 to the 45. 15 to the 60. 15 to the 75. 15 to the 90. 15 7 the 105. 120, then 135, and last is 150. Okay, so first of all, you will find the common multiples. सबसे पहले हम common multiples निकालेंगे, कितने भी निकाल सकते हो, जितने भी possible निकल रहे, 30, okay, next is 60, okay, 60 also, next is 90, okay, 19 also, okay, so अब common multiples क्या हो गए हमारे पास, common मल्टीपल 30, 60, 90, ये तो कॉमन मल्टीपल्स हो गए. अब ये कह रहा है एलसीएम निकालने को, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 30, 60 और 90 में से सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो गया, 30. तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 30. फाइनल आंसर आपका 30 रहेगा जब केवल एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा. इज दैट क्लियर, सभी को क्लियर है? पहले आप कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स निकालने पर सबसे छोटा मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना इस कॉमन में से, ठीक है? तो 30, 60, 90 में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 30. तो 30 इज द एलसीएम. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डी, 9 एंड 12, ओके, 9 एंड 12, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द मल्टीपल ऑफ 9, ओके, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, 9 सिक्स जा 54, 9 सेवन जा 63, 9 एट जा 72, 9 नाइन जा 81, 9 टेन जा 90, ओके, देन यू विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 12, 12, ओके, इट मीन्स यू विल राइट द टेबल ऑफ 12. 12 under 12, 12 to the 24, 12 3 the 36, 12 4 the 48, 12 5 the 60, 12 6 the 72, 12 7 the 84, 12 8 the 96, 12 9 the 108, 12 10 the 120. Okay, then you will find the common multiples. Okay, first of all, aap kya nikalenge? Common multiples. First is 36, okay, next is 45, 54, 63, 72, 72 is also common, okay, then is 84, 90, 96, 108 and 120, इनमें से और भी कोई common नहीं निकल रहा है, तो common क्या हो गए, 36, 72, okay, ये तो common multiples हो गए. अब हमें इसमें से एलसीएम मतलब छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो क्या होगा छोटा, 36. इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से आपको कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स के संग हम सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे. इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ आपकी 5.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.